वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के। दोस्तों, इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और दोनों टॉपिक में आपको बताती हूँ, एकदम आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है। थियोरेटिकल टॉपिक, एमसीक्यू, चैप्टर वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी स्टेप बाय स्टेप हल कराए गए हैं। बस आप मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, आपको सभी प्रकार की फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड तैयारी जरूर जरूर अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि यूरिनरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन सिस्टम में कौन कौन से अंग होते हैं। तो इसमें अंग होता है किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा तथा यूरिनरी ब्लैडर। उत्सर्जन पाते किसे हैं दोस्तों? इसको यूरिनरी सिस्टम या मूत्र तंत्र भी बोला जाता है, यानी कि हम जो भी खाना खाते हैं वह उपापचय हो जाता है यानी पच जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जो ऊर्जा होता है, पोषक तत्व होता है, वो रक्त के द्वारा छोटी आंत पूरा अवशोषित कर लिया जाता है, छोटी आंत में, बिलाई में। और जब ऊर्जा पूरा ले लिया, उसके बाद यदि खराब पदार्थ बचता है यानी कि मानव शरीर में उपापचय क्रियाओं के बाद कुछ व्यर्थ या हानिकारक पदार्थों का शरीर के भीतर निर्माण होता है, इन पदार्थों को रुधिर से बाहर करने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है, यानी रुधिर को छान देता है। कौन? किडनी। रुधिर को छानने का कार्य कौन करता है? रुधिर को छानने का कार्य करता है यानी डायलिसिस का काम करता है किडनी। उसमें से अच्छे पदार्थों को शरीर की तरफ भेज देता है और खराब पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है, उसी को कहते हैं यूरिन या एक मूत्र, और इसी को उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ऐसे पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। व्यर्थ पदार्थ होता है यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब विषैले अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जिसमें दोस्तों मूत्र जो है वह 95% जल होता है, 2.7% यूरिया होता है, 2% लवण होता है, 0.3% यूरिक अम्ल होता है। और जो मूत्र का पीला रंग दिखाई देता है दोस्तों, वह यूरोक्रोम के कारण दिखाई देता है। और मूत्र का पीएच मान 6 होता है यानी कि यह अम्लीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईलियम किस तंत्र का भाग है। तो दोस्तों, ईलियम पाचन तंत्र का भाग है, जैसे कि यह छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक घंटी नुमा दीवार की तरह रचना होती है। इसी इलियम में पोषक तत्वों का, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। इसमें इलियम में रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं, जो भोजन के पोषक तत्व को अपने में लेकर के शरीर के समस्त भागों में भेज देती है। तो यह किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे यानी किडनी से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो गुर्दे यानी किडनी से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन नलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थों को कौन छानता है? तो दोस्तों, यह छानता है किडनी में पाया जाने वाला ग्लोमेरुलस कैप्सूल, जैसे कि एक कटोरे नुमा आकृति होता है, वह उसमें अभिवाही अपवाही तंत्रिका धमनी होती है और इन धमनी से मिलकर गुच्छे नुमा एक आकृति होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल, उसी में रक्त छानता है। कैसे दोस्तों? क्योंकि जो अभिवाही धमनिका होता है वह किडनी में यानी ग्लोमेरुलस कैप्सूल में रक्त भेजता है, और जो आपका अभिवाही यानी कि ऑपरिएंट धमनी होती है वह उसका व्यास जो है बड़ा होता है, और जो रक्त को लेकर के किडनी से छानने के बाद जाता है अपवाही धमनी का यानी ईपरिएंट, उसका व्यास कम होता है। तो इधर से ज्यादा रक्त जाता है और उधर से कम रक्त निकलता है, तो क्या होता है? उसमें दबाव बन जाता है। दबाव बनेगा तो क्या होगा? जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो छन करके नेफ्रॉन यानी मूत्र नलिका में आ जाता है, और जो अच्छे पदार्थ होते हैं वो चला जाता है अपवाही धमनिका के माध्यम से शरीर में। तो क्षमता का है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में। नेक्स्ट है, मानव के मूत्र में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं?
मानव के मूत्र में होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड तथा अमोनिया। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है मूत्र में कितने परसेंट जल होता है। तो दोस्तों मूत्र में जो जल होता है वो 95 से 96% होता है, आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मूत्र में 95% पानी और 2.7% यूरिया, 2.2% आपका लवण और 0.3% आपका होता है यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचयात्मक पदार्थ कितना परसेंट होता है। तो इसमें पाया जाता है यूरिया 2.7%, जैसे कि दोस्तों इसमें आपका 7% लिखा है, गलत है, 2.7% होगा, तो यूरिया 2.7% एंड अन्य उपापचयात्मक पदार्थ जो होता है वह 2% होता है। नेक्स्ट है मूत्र में उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। दोस्तों जो हमारा मूत्र होता है उसमें क्या क्या चीज होता है, उसमें यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनाइन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है। तो यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है, जिससे कि हमारे वृक्क का या रचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होता है। प्रत्येक वृक्क में, जैसे दो वृक्क होता है दोस्तों, प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है रक्त को छानने के लिए कौन सी आर्टियोलिस रक्त को ग्लोमेरुलस कैप्सूल तक लेकर जाती है। तो इसमें दो आर्टियोलिस यानी कि ध्रुमनिकाएं होती है, अभिवाही और अपवाही। तो अभिवाही को एफ्रेंट कहते हैं। तो कौन लेकर जाती है, अभिवाही ग्लोमेरुलस कैप्सूल तक रक्त को लेकर जाती है छानने के लिए। तो कौन लेकर जाता है, अप्रियंट ध्रुमनिका यानी कि अभिवाही ध्रुमनिका। और छानने के बाद शरीर को, शरीर की ओर कौन लेके जाता है दोस्तों, तो इफ्रेंट यानी अपवाही ध्रुमनिका। अप मतलब ऊपर, इसलिए ऊपर की ओर लेके जाता है। और लाटा कौन है, अभिवाही यानी कि अफ्रेंट, ठीक है, ध्रुमनिका। नेक्स्ट है किडनी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। दोस्तों तो नेफ्रॉन को कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है। दोस्तों तो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग होता है आपका किडनी। उसके अलावा आपका अन्य अंग है फेफड़ा, जो CO2 का उत्सर्जन करता है, और त्वचा हो गया, ये सभी आपका उत्सर्जन तंत्र के ही भाग है, लेकिन मुख्य अंग है आपका किडनी यानी गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी से लेकर ब्लैडर तक, किडनी से लेकर जो मूत्र बन गया उस मूत्र को ब्लैडर तक लाने का वाली नलिका को क्या कहते हैं। तो यूरेटर यानी कि मूत्र नलिका कहते हैं, ठीक है, यूरेटर। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य रूप से कितना तापमान होता है। 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे दिया है आपका मिनिमम आपका 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36 से 37 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड आपका तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा से रिलेटेड ये उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है। तो इसकी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, सबसे ऊपरी परत को कहते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट है स्किन की दूसरी यानी निचली परत को क्या कहते हैं, तो निचली परत को कहते हैं डर्मिस। नेक्स्ट है स्किन की कौन सी परत से रक्त वाहिनियां नहीं जुड़ी जाती है, तो किस परत से नहीं जुड़ी जाती है दोस्तों, जो सबसे ऊपरी परत होती है एपिडर्मिस, उससे रक्त वाहिनियां नहीं जुड़ी जाती है। इसका पालन पोषण कैसे होता है, जो निचली परत होती है उसमें डर्मिस में रक्त वाहिनियां जुड़ी जाती है, उन्हीं से इसका पालन पोषण होता है। नेक्स्ट है पसीना किस ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों पसीना स्वेद ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे शरीर में हर एक जगह उनमें छिद्र छोटे छोटे होते हैं, उसी से हमारा पसीना निकलता है, यह भी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उत्सर्जन तंत्र से लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी समझ लेके आई थी, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के